सही है यार, कल छुट्टी है रक्षाबंधन की, अब मैं दबा के पबजी खेलूंगा। और मैं कल पूरा दिन योगा करूंगी। सही है यार, तूने तो शिल्पा शेट्टी को भी फेल कर रखा है। इतना अच्छा योगा करती है मेरी बहन, फेल है शिल्पा शेट्टी तेरे आगे। चल फटाफट अंदर। भाई तो टेंशन ना ले, अब की बार मैं आऊंगी सुबह राखी बांधने। चल अब जल्दी चल के कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर मैं अपना पबजी खेलने बैठूंगा और तू योगा करने लग जियो। आने दे इनकी बहन को, अब की बार ये वेट कराएंगे अपनी बहन को, मैं नहीं करूंगी। हर बार का है इनका, मेरा सारा प्लान खराब कर देते हैं। मेरा भी कितना मन होता है अपनी माँ के साथ बैठूं, दो बातें करूं, लेकिन नहीं, भागम भाग आएंगे, भागम भाग निकल जाएंगे। रक्षाबंधन के बाद भी राखी बांधनी पड़ती है मुझे अपने प्यारे भाई को। अरे मेरी बहन ने ऐसा क्या कर दिया तेरा? अरे तुम चुप रहो, फ्रिज ठीक कर लो पहले। ये नहीं कि मैकेनिक बुला लूं, नया फ्रिज ले आऊं। पता नहीं क्या अपने आप को फुनसुंग बांगड़ू समझ बैठे हैं। दिन भर साइंटिस्ट बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। बता भाई, ये उम्र है साइंटिस्ट बनने की? साइंटिस्ट बनने की उम्र मेरे बेटे की है और ये बाप बनने चला है साइंटिस्ट। अरे भाई तू ये सब छोड़, तू ये बता घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ दीदी सब ठीक है। लेकिन भाई मैं आऊंगी कहाँ, अब तो तेरे पास घर भी नहीं है। दीदी अब तो मैं गांव में रहता हूँ ना, माँ के पास। गांव में रह रहा है? अरे फिर तो तेरी पप्पी भी साथ रह रही होगी। हाँ 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 दीदी, पप्पी साथ में ही तो रहती है। चल ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल सुबह जल्दी आऊंगी। ठीक है, कल सुबह मेरी बहन आ रही है। हाँ तो इसमें कौन सा नई बात है, उसका जब मन करे जब आ जाती है वो तो। 200 किलोमीटर दूर शादी करी थी उसकी, कितनी खुश थी ना मैं, लेकिन पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, मेरे पड़ोस में घर लेके बैठी है, दुखी कर रखा है, बिल्कुल छाती पे बैठी है हमारे। अरे तो तेरे पैसे का घर लिया है क्या उसने? अपने पैसों का घर लिया है और वो अपने भाई से मिलने आ रही है। हाँ तो मैं भी अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। हर बार का ड्रामा लगा रखा है तुमने, सुबह सुबह 9 बजे आ जाएगी और बोले कि 1-2 घंटे में चली जाऊंगी, लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं रात को पहुंचती हूँ अपने भाई को राखी बांधने, और कई बार तो मैंने अगले दिन जा के राखी बांधी अपने भाई को, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार मैं सुबह जाऊंगी। मेरी बहन आएगी सुबह, उसके बाद तू जाएगी, आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में, पहले मैं जाऊंगी। तुम्हारी बात समझ में आई? नहीं आई, पहले मेरी बहन आएगी उसके बाद तू अपने भाई के घर जाएगी, ठीक है? मैंने बोल दिया ना मैं जाऊंगी पहले। तुम बाद में जाओगी। तुमने डर नहीं लगता मेरे से? नहीं लगता। अबे इनका तो डेली का ड्रामा है, तू अपने योगा पे फोकस कर, मैं अपने पबजी पे फोकस करता हूँ, चला जा। नहीं लगता तब लगेगा, क्योंकि मैं जाऊंगी पहले, समझ गए? बोल दिया ना, एक कान खोल लो अच्छे से, मैं जाऊंगी। अरे रची उठ जा। अरे क्या है मम्मी, क्या दिक्कत है आपको? सोने दो ना, आज तो छुट्टी है स्कूल की। अरे स्कूल नहीं जाना बेकूफ, आज तो रक्षाबंधन है। अरे तो मम्मी सुबह 6 बजे कौन राखी बंधवाता है? इस वाती पूरा दिन घर पे ही तो है ना, बंधवा लूंगा आराम से राखी से। हाँ तो उठ के नहा धो ले, चल तैयार हो जा। अरे मम्मी इतनी सुबह सुबह नहा धो के क्या करूंगा, आराम से 9-10 बजे नहा लूंगा, और वैसे भी बुआ जी 12 बजे आएंगी। बेटा इस बार तेरी बुआ नहीं आ रही, पहले हम जा रहे हैं तेरे मामा के घर। क्या? हाँ तेरी बुआ बाद में आएगी, पहले हम जाएंगे तेरे मामा के घर। चलो चलो जल्दी रेडी हो जाओ दोनों, तुम भी चल रहे हो हमारे साथ। अरे तो मम्मी हम दोनों जाके क्या करेंगे, आप और पापा चले जाओ, राखी बांध के आ जाना, और वैसे भी मम्मी स्वाति से राखी बंधवानी है मेरे को, मैं बंधवा लूंगा आराम से। ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी तैयार हो ले और चल ले हमारे साथ, चुपचाप चल ले, दोबारा नहीं बोलूंगी, उठ के रेडी हो ले। स्वाति तू भी रेडी हो जा, वहां मनेगा तुम्हारा रक्षाबंधन, गुलगुले कभी तो राखी बांधेगी स्वाति। क्या मम्मी, मैं गुलगुले के राखी बांधूंगी? हाँ उसकी भी तो बहन है तू, चल तैयार हो जा, तेरे मामा का इकलौता लड़का है वो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, रेडी हो जाओ फटाफट, दोबारा बोलने नहीं आऊंगी, उठ जाओ। भगवान इस औरत ने मेरी जिंदगी नरक कर रखी है। क्या बोले? कुछ नहीं। वो
भूल गए रात की मार। ओए माँ। चलो अब सामान रेडी कर लो, नहीं तो ऑडियंस के सामने पिटते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। हाँ अभी करता हूँ। बच्चों, अगर आपने अपने पापा को मम्मी से डांट खाते हुए या पिटते हुए देखा है तो कमेंट्स में बताना यार, मैं जा रहा हूँ वरना आ जाएगी। अरे रचित बेटा। हाँ पापा। आगे ध्यान रखियो, कोई दुकान खुली मिले ना, मिठाई केले और बाकी का सामान ले लियो। अरे पापा मैं कहाँ जाके सामान लेके आऊंगा, यहाँ कोई दुकान भी नहीं खुली होगी इस टाइम तो। इसीलिए मैं तेरी मम्मी से कह रहा था बेटा कि शाम को चलते, बढ़िया से 1 किलो बूंदी के लड्डू ले लेता इसके भाई के लिए और पप्पी के लिए, खुश होके खा लेते दोनों। अरे मैं अपना जुगाड़ लेके चलती हूँ, जो फ्रिज में डिब्बा था ना वो लेके आई हूँ। क्या काजू की बर्फी का डब्बा लिया ही तू? और क्या। अरे 1000 रुपए किलो है वो, तेरा भाई 1000 रुपए किलो की मिठाई खाएगा? वो तो मैं अपनी बहन के लिए लाया था। अच्छा तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी महारानी है ना, तुम्हारी बहन तो काजू की कतली खाए और मेरा भाई बूंदी के लड्डू। 18 साल हो गए तुम्हारी बहन को हमारा घर लूटते हुए, अभी भी शर्म नहीं है कि अब तो पीछा छोड़ दे? तुम्हारी बहन के लिए ना बूंदी के लड्डू रख दिए मैंने फ्रिज में और ये मेरा भाई खाएगा। और हाँ अगर मुझे पता चला कि काजू कतली तुमने दोबारा से फ्रिज में ला के रख दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। अरे यार मम्मी पापा बस करो ना, चलो ना पापा गाड़ी चलाओ, अब आप बहुत लेट हो रहा है, गर्मी भी बहुत हो रही है, चलो। A few inches later. अरे पापा रोको रोको, मुझे बहुत जोर से। अरे क्या हुआ? रोको ना, बहुत जोर से रोको पापा, बहुत जोर से। अरे क्या हुआ बेटा? पापा मुझे बहुत जोर से, रोको। हा। अरे स्वाति बेटा क्या हो गया तेरे को? अबे तू पागल वागल है क्या? चलती हो चलने, वरना छोड़ के जाते हैं फिर हम। 8 बज गए थे और मेरे योगा करने का टाइम हो गया था। अबे लेकिन ये कौन सा योगा होता है? गूगल करके पता कर लेना। अरे बेटा स्वाति योगा तो घर पे होता है सुबह सुबह, तू रोड पे उतर के योगा कर रही है। अरे पापा मेरी टीचर ने बोला है चाहे कुछ भी हो जाए योगा से कॉम्प्रोमाइज नहीं, 100 साल से भी ज्यादा जियोगे, चाहे माँ बाप छूट जाए, परिवार छूट जाए, घर बार छूट जाए, लेकिन योगा नहीं छूटना चाहिए। बेटा तेरी टीचर से तो मिलना पड़ेगा। अरे टीचर से बाद में मिलते रहना, लेट हो रहे हैं, अभी चल लो। हाँ सही कह रही हो। अरे यार मम्मी पापा इसका बिना कुछ ना कुछ ड्रामा लगा रहता है, पहले रील्स 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 बनाती रहती थी, अब इसको नई बीमारी लग गई योगा योगा योगा। अरे मान लिया योगा करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना तो पूरा दिन योगा करती रहेगी। अबे देख तो कितनी गर्मी हो रही है, कहाँ सड़क पे खड़ी होकर योगा कर रही है तू? चल ले बहुत गर्मी हो रही है, चल चलो गाड़ी स्टार्ट करो। आओ बैठो। अरे जल्दी आ जाओ नहीं छोड़ के चला जाऊंगा। अबे चल ले। गाड़ी स्टार्ट हो गई पर चल क्यों नहीं रही, क्या हो गया? अरे रचित बेटा यार ये गाड़ी स्टार्ट हो गई पर चल नहीं रही, थोड़ा धक्का मारिए बेटा। अभी धक्का मारता हूँ। हाँ धक्का मारो। अरे स्वाति बेटा रचित में तो जान ही नहीं है, जा बेटा तू भी धक्का मार थोड़ा। अरे इन बच्चों में जान ही नहीं है, रुको मैं भेजता हूँ अब छोटा भीम। महारानी जी जरा जाओ धक्का लगवाओ। तुमने करा कुछ गाड़ी में? अरे पता नहीं गाड़ी में क्या कर दिया इस बुड्ढे ने। अरे बच्चे परेशान हो रहे हैं बहुत, चलाओ इसे। अरे
अबे यार तीन तीन लगे हुए हैं, एक छोटी सी गाड़ी पे धक्का नहीं मार पा रहे तुम लोग। अरे पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो, गाड़ी कौन संभालेगा, आप जाके गाड़ी संभालो ना। हाँ 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 अरे मम्मी ये तो हिल भी नहीं रही। चलो एक साथ 1 2 3 मारो। बुरा हाल हो गया गर्मी में। अरे पापा बुरा हाल हो गया यहाँ पे गर्मी में। तो पप्पी से मिलना था इसलिए आ गया, अगर पता होता ना ये गाड़ी परेशान करेगी, पप्पी जी की कसम बिल्कुल नहीं आता मैं। और मुझे पता होता ना आप इतना परेशान करोगे तो मैं पैदल आ जाती। बेटा गाड़ी में पानी है, ला दे थोड़ा सा पी लेंगे। यार पापा बहुत थकावट हो रही है। अरे मेरे मिट्टी के शेर, लिया लिया शाबाश, तू भी पी ले थोड़ा सा और स्वाति को भी पिलाएंगे। पानी पानी कहाँ है पानी। अबे पापा का कुछ नहीं हो सकता। एक बात बताओ ये गाड़ी चलेगी कैसे, पिताश्री ने हैंड ब्रेक खींच रखा है। अरे मैं तो जानती थी ये इस बुड्ढे की चलाकी है, इसे जान पूछ के तंग किया बच्चों को भी मेरे को भी, मुझे पता था ये ऐसी हरकतें करेंगे। चलो पापा खड़े हो अब गाड़ी चलाओ यार, बहुत लेट हो रहा है, गर्मी में परेशान हो गए। चलो 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 हैंड ब्रेक हटा लेना इस बार। मम्मी बैठो, चल तू भी बैठ। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ओ बेटा बात कर दे, 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 दे। अरे कहाँ लेके जा रहे हो, यही तो घर है मेरा, आगे कहाँ जा रहे हो, पीछे ले लो। अरे तुम तो घर भी भूल गए, रोक को। अरे पता नहीं दुनिया के कौन से कोने पे तुम्हारा गांव और घर है, इतनी तेज चला के लाया हूँ फिर भी 3 घंटे लगे हैं पूरे। अगर खुद की अपनी गाड़ी ना हो ना तो इंसान तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकता ना, यहाँ बस चलती ना ट्रेन चलती ना ऑटो रिक्शा चलती ना ई रिक्शा चलती। पता नहीं मेरे बाप ने कहाँ जंगल में शादी कराई थी मेरी, आदिवासी लोग कहीं के। अरे तुम आए थे मेरे घर भीख मांगते हुए, 30 साल तक भी तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी। अरे वो तो मैंने ही तरस खा लिया कि इस बुड्ढे पे दया कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहते तुम। बकवास कर रहे हैं, चलो वापिस। चल रहा हूँ पीछे, मुझे याद आ गया तुम्हारा घर, मैं तो मजाक कर रहा था। अबे यार यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं आ रहा, मैं पबजी कैसे खेलूंगा। और भाई यहाँ तो लाइट भी नहीं होगी और एक ही गर्मी और ऊपर से गुलगुला भी होगा। अब क्या करे, जैसे तैसे वो झेलना तो पड़ेगा ही ना। अरे बुआ जी नमस्ते, फूफा जी नमस्ते, ओ स्वाति दीदी आओ आओ। अबे ओ अनाज के दुश्मन, मैं भी हूँ, मुझे भूल गया। अरे रचित भैया आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपका दिया हुआ एक एक धक्का मेरे को याद है, कैसे मेरे को मार के बाहर निकाला था। आओ आओ आप ही का तो घर है, चलो 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 चलो। अरे दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते भाई, माँ कहाँ है? अरे माँ तो मामा के यहाँ गई है राखी बांधने के लिए। पर तूने बताया नहीं मुझे। अरे दीदी हमें लगा आप आओगे ही नहीं, और जीजा जी आपको आने ही कहाँ देते हैं। अच्छा तेरे जीजा की इतनी हिम्मत। दीदी आप हर बार बोलते हो कि सुबह आओगे और आते हमेशा रात को ही हो, तो इस बार भी हमें यही लगा कि आप रात को ही आओगे। अच्छा भाई तो ये सब छोड़, तू बता पप्पी कहाँ है। अरे दीदी बस पूछो मत उसकी तो आप। क्यों क्या हुआ बुआ जी।
मम्मी तो फिर से भाग गई। क्या फिर से दूध वाले के साथ भाग गई? अरे नहीं दीदी, इस बार दूध वाले के साथ नहीं भागी, इस बार तो सब्जी वाले के साथ भाग गई। क्या साला, कभी सब्जी वाला, कभी दूध वाला, कभी कैब वाला, ऐसा उनमें आखिर है क्या जो मुझ में नहीं है? पप्पी जी, आखिर आपने ऐसे क्यों किया, आखिर क्यों किया? अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो घर का कोई आदमी भाग जाता है तो बुरा तो लगता ही है ना। हाँ हाँ सब पता है मुझे, तुम्हारे चक्कर में ही मैंने अपने घर से पप्पी को भजा था, मनहूस औरत कहीं की। अपने भाई को जल्दी से राखी बांधूंगी और जल्दी घर चलेंगे। हाँ और भाई तू बिल्कुल टेंशन ना ले, तेरे लिए सुंदर सुशील कन्या मैं ढूंढ के लाऊंगी और तेरी शादी कराऊंगी। इस उम्र में इस बुड्ढे से शादी करेगा कौन? ऐसे मत बोलो जीजाजी, दीदी ने भी तो आपसे शादी करी थी और मैं तो अभी जवान हूँ, छड़िया बालक। साला ये पदोड़ा नहीं सुधरेगा। ओ भैया चलो मैं आपको अपनी गाय दिखाता हूँ। अच्छा चल चलो। भैया ये ना हमारी गाय है, इसको प्यार से चलाओ, कुछ नहीं बोलेगी, बहुत प्यारी है। ओले लल्ले बिचा। अरे यार ये गुलगुला तो बहुत बदमाश है यार, 2 मिनट में ही परेशान कर दिया इसने तो, हालत टाइट कर दी। It was at this moment that he knew he fucked up. अबे साले कमर तोड़ दी। अरे क्या बल्ले 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 बल्ले। मैं तेरे को मैं बताता हूँ, अभी तू गया, अभी तू मैं बताता हूँ तेरे को, रुक तू। कमर तोड़ दी। अबे ये तो नकली सांप है। अबे यार इसने दिमाग खराब कर दिया, अभी जाके इसको मम्मी से पिटवाता हूँ। अरे मम्मी मम्मी, इस गुलगुले ने बहुत परेशान कर रखा है, पहले मेरे को छत से धक्का देके नीचे गिरा दिया, उसके बाद मेरे ऊपर सांप फेंक दिया। मम्मी बहुत परेशान कर रखा है मम्मी इसने। बुआ जी मैंने इनको छत से धक्का नहीं दिया है, ये खुद ही गिरे पड़े जा रहे हैं, ना ही मैंने इनको पर साफ फेंका है, बिना बात में मेरा नाम लगा रहे हैं। और पता है ये मेरे को कह रहे थे कि मैं ना तेरा झूठा नाम लगाऊंगा और तेरे को पिटवाऊंगा, देख लो बुआ जी इनको। मम्मी बहुत झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है ये। अरे तुम्हारी यहाँ भी वही हरकतें चालू, अरे कहीं तो ठीक से रह लिया करो शांति से। उस लड़की को देखो, स्वाति को देखो कितनी शांति से। अरे वाह यहाँ कितनी नेचुरल हवा है, यहाँ प्रकृति का स्पर्श है, यहाँ करती हूँ योगा। मम्मी आप इसका बिल्कुल विश्वास मत करो, ये एक नंबर का झूठा है, जब से आया हूँ तब से मेरे को परेशान कर रहा है ये। अरे रचित बेटा ये ले गाड़ी की चाबी, डिक्की में कुछ सामान रखा है ना वो लिया। अभी लाता हूँ पापा। ओह माय गॉड, रचित भैया के पास गाड़ी की चाबी, अभी इनकी वाट लगवाता हूँ। ऐसे दीदी आपका लड़का ना सही में बड़ा शरारती है। अरे ये छुटका भी कम नहीं है, देखना कैसे हरकतें कर रहा है उसके साथ। अरे नहीं दीदी आप मानो या ना मानो ये है शरारती, जीजा जी पे जो गया है। अरे छुटका भी कितना तेज है, अपनी माँ पे गया, पप्पी पे कितना हेरा फेरी करता है और झूठ बोलता है। अरे दीदी आपको नहीं पता मैंने इसको पीछे बीड़ी पीते हुए पकड़ा था आपके लड़के को। हाँ अरे कम समझ रहे हो, जीजा जी नहीं पीते बीड़ी, अब बोलो, तभी तो इन पे गया है, बीड़ी पीने की आदत दोनों बाप बेटों को। अरे भाई पप्पी ने और तेरे जीजा जी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ हमारा, तो दोनों बहन भाइयों को ऐसे मिल गए हमें तो।
पता नहीं क्या करें। हाँ भाई मैं घर से निकल रही हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे वो मेरी बहन का फोन था, वो बस घर से निकल रही है अभी। अरे अभी तो 11 बजे है, वो तो हमेशा 3 बजे आती है, इस टाइम कैसे? हाँ बहन जी। हाँ भाई मैं ना बाजार से थोड़ा सामान वामान ले लूँ, मिठाई शिठाई थोड़ा और कुछ, ठीक है? और घर पे रही हो, कदे इधर उधर निकल जावे। ठीक है ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। अभी कैसे चल लेते हैं, ना तो राखी बांध दिया है ना कुछ खाया पिया है, इतनी भी क्या जल्दी हो रही है तुम्हें? अरे भाई आए ना बस नहीं मिल रही, बहुत परेशान होगी, एक बार कैब बुक कर दे। ठीक है अभी करता हूँ बहन जी। फाइनली कैब बुक हो गई, अब जल्दी से तुम राखी बांधो। स्वाति बेटा राखी की थाली लेके आओ। काजू की बर्फी मुझे भी खानी है। तेरी फेवरेट लाई हूँ काजू की बर्फी। वाह दीदी बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, मजा आ गया। और खा। और मम्मी ये ले भाई तेरे लिए लाई हूँ पूरा डिब्बा। अरे मम्मी आपने पूरा डब्बा क्यों दे दिया मामा को? अरे वाह आज तो मजा आ जाएगा। काजू कतली कैसे ढूंढ के खा रहा है, अबे इनको हजम भी करना है। अरे जीजा जी मेरा पेट आपकी तरह बूढ़ा नहीं है, जवान है, आराम से हजम कर लूंगा। अरे मैं तो जलता लोहा पी गया था एक दिन, दीदी से पूछो। मोटा मामा सारी खा जाएगा और फिर गुलगुले को भी दे देगा। दीदी काजू की बर्फी तो खिलाओ। दीदी मेरे पास ना आपके लिए गिफ्ट है। ओ भाई ये कब से गिफ्ट देने लग गया? सो स्वीट गुलगुला तो जैसा भी हो है लेकिन बड़ा प्यारा। आंखें बंद करो, हाथ आगे करो। मम्मी मम्मी ये साला कभी नहीं सुधर सकता। स्वाति मार इसको, मार मार इसको, अबे चप्पल से मार, डंडे से मार, इसका सर फोड़ दे। अरे पूरा डब्बा अभी खिलाओगे क्या काजू की बर्फी का? बाद में खा लेगा, अब निकल लो। अरे यार मेरा नंबर कब आएगा अब राखी बंधवाने का? बेटा तेरा राखी बंधवाने का नंबर घर पे आएगा, तेरी बुआ आई बैठी है घर पे। तो मेरे को क्या यहाँ पे फालतू में लेके आए थे बस? चल जल्दी चल, गाड़ी की चाबी दे फटाफट। देता हूँ चाबी। चाबी चाबी कहाँ गई? अबे क्या हो गया, चाबी देना। पापा चाबी तो नहीं मिल रही। बेटा मैंने तेरे को ही दी थी गाड़ी में से सामान लाने के लिए, जेब में देख, जेब में देख। पापा दी तो थी आपने चाबी लेकिन पापा मिल नहीं रही, कहाँ गई? कहीं रास्ते में तो नहीं गिराया गेट के आसपास? नहीं पापा रास्ते में नहीं गिराई, मेरे को याद है मैं गाड़ी लॉक करके चाबी जेब में डाल के लाया था। तो कहाँ गई चाबी? अरे फूफा जी एक बार गाड़ी में ना चेक करवा लो, कहीं रचित भैया ने चाबी गाड़ी में तो नहीं छोड़ दी। नहीं पापा मेरे को अच्छे से याद है, गाड़ी लॉक करके लेके आया था अपने साथ। ये भुलक्कड़ आदमी सच में गाड़ी में तो नहीं छोड़े आया चाबी? चल चाबी ढूंढते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आ। अबे हराम खोर ये क्या किया तूने, चाबी गाड़ी के अंदर छोड़ रखी है, अब घर कैसे जाएंगे? वहां तेरी बुआ दरवाजा तोड़ रही है घर पे खड़ी और तूने चाबी यहाँ छोड़ दी। पापा मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं गाड़ी को लॉक करके चाबी जेब में रख के लाया था, मुझे नहीं पता पापा ये गाड़ी के अंदर चाबी कैसे चली गई, उड़ के चली गई इसमें, और मेरी बहन मेरा राखी कैसे बांधेगी? मंद बुद्धि भुलक्कड़ आदमी, अब तूने किया क्या, किया क्या ये, अब कैसे जाएंगे हैं?
चाबी रख दी गाड़ी के अंदर और गाड़ी कर दी लॉक। अब आएगी रचित भैया की शामत, मजे आएंगे। अब किया क्या तूने? अब ये घर कैसे जाएंगे हम ये बता, और मेरे राखी कैसे बंधेगी? घर कैसे जाएंगे? हाँ बहन जी। हाँ भाई, कहाँ है? कितनी देर से बाहर खड़ी हूँ मैं? बस मैं पहुँचने वाला हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, आ रहा हूँ बहन जी, आ रहा हूँ। कैसे जाएंगे घर? घर कैसे जाएंगे? दोस्तों, अगर आपको देखना है कि मेरे साथ इसके बाद क्या होने वाला है, तो इस वीडियो पे 200,000 लाइक कर दो, तभी इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो यहीं खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो देख लो क्या करना आप लोगों को। ओके बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Aapke kandhe pe haath rakhega. Don't get it, it's impossible. It's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, what's your time? Pitega bahut aaj hai. You to tell me what to do. I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in. Hey guys, to hope aapko hamara ye Rakhi ka tyohar pasand aaya hoga. To guys, agar aapko ye video sach mein pasand aayi hai na, तो हमने टारगेट दिया है 200,000 लाइक्स का, फटाफट से कर दो, इसका अगला एपिसोड भी लेके आऊंगा। और गाइस, हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और बाकी मैं अपनी बहन स्वाति के लिए लेके आया हूँ लैपटॉप, इसका रक्षाबंधन का गिफ्ट। और ये टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन। और ये बेवकूफ कुछ नहीं लेके आया, इसको बस शैतानियां करनी आती है। तो अगर ये शैतानियां आपको कंटिन्यू रखनी है, अगले एपिसोड्स में देखनी है, तो यार लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।